भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत से जूझ रहे करीब 30 से अधिक गांवों में ग्रामीणों ने समस्या से निजात के लिए खरगोन उद्वहन सिंचाई परियोजना के BR3 पीपरी तालाब में पानी छोड़े जाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो आगामी दिनों में सभी 30 से अधिक गांवों के किसान परिवार सहित आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। समस्या आज वर्तमान में यह है कि हमारी जो नर्मदा उद्वहन परियोजना है, जिसके तहत BR3 यानी जो पिपरी तालाब है, जिस पिपरी तालाब से करीबन 30 से 35 गांवों की पेयजल व्यवस्था जुड़ी हुई है और 2 महीने से रिपेयरिंग के नाम पर वह पिपरी तालाब में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब वर्तमान में चूंकि थोड़ा सा पानी, जिसके कारण जो 30-35 गांवों की जो पानी का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारी मांग ये है कि अति शीघ्र जो आपका BR3 में जो पानी जो आ रहा है, वो जो पंप हाउस से चालू करे, BR3 तालाब को भरे और ये 30-35 गांवों के पानी की व्यवस्था और जो पशुओं की जो व्यवस्था है, इसका समाधान हो। और यदि आज तो हम 500-600 लोग आए हैं, लेकिन यदि प्रशासन ने अनदेखी करी, शासन ने अनदेखी करी, तो हम विगत 4-6 दिन बाद में पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से किसान परिवारों को लेकर के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो, और उस आंदोलन में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बनती है तो उसका जो जवाबदार है वो खरगोन जिला प्रशासन रहेगा। क्या नाम है आपका? सीताराम पाटीदार, भारतीय किसान संघ पूर्व जिला अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।